हिमाचल प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर राजीव सैजल ने जल्द ही कोरोना को लेकर एक और जागरूकता अभियान शुरू करने की बात कही है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि राज्य के कुछ इलाकों में कोविड के मामलों के लगातार बढ़ोतरी चिंता का विषय है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि ऐसा फीडबैक में मिल रहा है कि कोविड को लेकर लोग अब पहले की तरह सावधानी नहीं बरत रहे हैं, जिसके चलते कोरोना के मामले कुछ खास इलाकों में सामने आ रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि सरकार जल्द ही एक और जागरूकता अभियान शुरू कर लोगों को कोरोना के प्रति ज्यादा जिम्मेदार और जागरूक करेगी। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि सरकार ने प्रदेश में टेस्टिंग की संख्या भी बढ़ा दी है, जिससे ज्यादा संक्रमितों का पता लगाकर उनको स्वास्थ्य सुविधाएं दी जाएं। आपने जिलों की आपने बात की जहां मामले जो है वो बढ़े हैं, मुझे ऐसा लगता है कि जहां जहां टूरिज्म एक्टिविटी बढ़ी है वहां पर शायद ये मामले बढ़े हैं, क्योंकि बाहर से लोग जो है काफ़ी संख्या में आ रहे हैं। और हमारा प्रशासन, पुलिस विभाग, मैं देखता हूँ यहाँ शिमला में जब भी यहाँ घूमना होता है तो क्योंकि जहाँ जहाँ ज़्यादा टूरिस्ट एक्टिविटी जिन जिन इलाकों में ज़्यादा है वहाँ वहाँ हमारे पुलिस विभाग के लोग उनसे बहुत विनम्रतापूर्वक, जिन्होंने मास्क नहीं डाला है, क्योंकि बाहर से आने में लोग देखा जा रहा है कि वो मास्क का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का प्रयोग वो नहीं कर रहे हैं और सावधानी वो बरत नहीं रहे, तो उनसे जो है बार बार आग्रह जो है वो पुलिस के लोगों के द्वारा किया जा रहा है कि मास्क को आप ठीक प्रकार से पहनें, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें और हाथों को जो है सोप और सैनिटाइजर के माध्यम से जो है वो विषाणु मुक्त करने का जो है प्रयास करें। मुझे लगता है कि अब इस गतिविधि को हमको जो है और ज़्यादा इसको हमको सख्त जो है वो बनाना होगा। चलान भी हो रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जागरूकता जो है वो सबसे बड़ी बात है। जब हम जागरूक हो जाते हैं तो फिर किसी को जो है वो थोपने का विषय जो है फिर वो खत्म हो जाता है और वो हमारे लिए बेहतर भी है। इसलिए मुझे लगता है ये जो कैंपेन हम हिमाचल प्रदेश में जो शुरू करने वाले हैं, जागरूकता अभियान, एक तरह से सेंसिटाइजेशन अभियान भी हम इसको बोल सकते हैं, उसके बाद जो है काफी जो है स्थिति जो है वो ठीक हो जाएगी। सर, इन